चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो मोदी सरकार ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों सदनों में तीन तलाक के मुद्दे पर मोहर लगवा ली, लेकिन बावजूद इसके देश में तीन तलाक का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला गौतम बुद्ध नगर के धनकौर कस्बे का सामने आया है, जहां बीते 27 जुलाई को उसके पति ने पहले अपनी पत्नी को तीन बार तलाक 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 कहकर छोड़ दिया, लेकिन अब हलाला का दबाव बना रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने एसएसपी दफ्तर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें आश्वासन देकर सांत्वना दी है। मेरी बहन को तीन तलाक दे दिया 27 तारीख को दादरी में नई आबादी में, और उसके ससुराल वाले ने उसके साथ मारपीट की, फांसी लगाने की कोशिश की है। हलाला का दबाव, और वो कह रहे हैं कि देवर के साथ निकाह करा देंगे, इज्जत करो और हलाला कराएंगे, उसके बाद में फिर दोबारा से निकाह करा देंगे। हम ऐसे घिनौनी हरकत नहीं चाहते। तो अब कहाँ हैं आप? जी, इस टाइम मैं एसएसपी ऑफिस में इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए आया। पुलिस ने क्या किया, क्या प्रोसेस है? पुलिस ने, दादरी पुलिस ने मेरा उसमें कोई सहयोग नहीं किया। मेरी बहनों को उसके घर से मुक्त तो करा दिया, मगर मेरा कोई उसने सपोर्ट नहीं किया। कहा कि धनकौर थाने में जाइए, आप अपनी जो है कार्रवाई धनकौर थाने। हलाला का दबाव कब बनाया? वो 27 तारीख को ही शाम 8 बजे तलाक दिया, उसके बाद उन्होंने रोके रखा। 28 तारीख को मैं पुलिस को ले जाके वहाँ से उसके घर से लेके आया। तलाक देने का कारण क्या था? तलाक देने का कारण क्या, वो शराब पीता है, रोज मारपीट करता है 15 साल लड़की की शादी के होंगे और तीन बच्चे भी हैं उसके। तीन बच्चे हैं। शादी कितने दिन हो गए? शादी 2005 में शादी हुई थी। अच्छा। हाँ, और कई बार हमने जो है महिला थाने में भी इसकी शिकायत की। कारण क्या है? कारण क्या है, वो मारते पीटते हैं और कई बार उनके पैसों की डिमांड है वो भी पूरी कर दी गई, मगर फिर भी वो जो है बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। और उन्होंने आखिर ये कर दिया कि हमारी बहन को उन्होंने 27 तारीख को तलाक दे दिया। मेरे साथ 27 तारीख की रात को मेरे साथ मारपीट करके तलाक दिलवा दिया, और फिर देवर से निकाह करने के लिए कहा। मैंने मना करा था, उनका हलाला करके इससे दूसरा के इद्दत करके दूसरा का निकाह करवाऊंगे। मैंने मना करा था, वो मेरे साथ फांसी वांसी लगा दी। देवर ने, सास ने, नंद ने, सब ने मेरे साथ मारपीट करी। हलाला किसके साथ करने के लिए बोला? हलाला देवर के साथ करने के लिए। कितने साल पहले शादी हुई थी? 15 साल पहले। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। यहाँ किस लिए आए? हम एसएसपी के यहाँ शिकायत करने के लिए आए। कब हुई थी मारपीट आपके साथ? 27 तारीख की रात हुई। फिर बाद में तीन तलाक बोल दिया, मेरा आदमी को सिखा कर तलाक दिलवा दिया घर वालों। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ताओं की शिकायत ले ली है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरों में दिखने वाला यह पीड़ित परिवार गौतम बुद्ध नगर के कस्बा धनकौर का निवासी है। दरअसल बीते साल 2005 में शबीना की शादी इकबाल के साथ हुई थी। इकबाल शुरू से ही शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता पीटता था और पैसों की डिमांड भी करता था। कई बार शबीना के मायके वालों ने पैसे दिए, लेकिन फिर भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। शबीना के फिलहाल 3 बच्चे हैं, बावजूद इसके बीते 27 जुलाई 2019 को इकबाल ने अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर छोड़ दिया। और जब पीड़िता के परिजनों ने इकबाल के खिलाफ कार्रवाई करवाने की बात कही, तो आरोपी पक्ष हलाले की बात कहने लगे। देखिए, आज एक एप्लीकेशन धनकौर थाने के एक रहने वाले हैं, उन्होंने लाकर के यहाँ पे दिया है। उनका ये कहना था कि उनकी डॉटर के लिए जो जिस शादी हुई थी वो उसने 3 तलाक कह दिया है, और बाकी जो उसके बाद की प्रक्रिया अब तक चलती आ रही थी उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। उसमें हम लोगों ने जो भी विधिक कार्रवाई है उसके लिए लिखा है, उसमें विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी चूंकि ट्रिपल तलाक बिल के संबंध में उन्होंने हमसे इंक्वायरी करी है, तो हमने उनको बताया है कि जो लॉ का फॉर्म होगा, जो चीज़ें निकल के अभी सामने आएंगी लीगल फॉर्म में, हम लोगों के सामने जो चीज़ लिखत में जो इलीगल है अब तक, जो अभी के एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से गलत है, उसमें हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो शिकायतकर्ताओं की शिकायत ले ली गई है और जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रिपल तलाक के मामले में अभी कानून का नया प्रारूप प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कोई भी गैर कानूनी काम को बख्शा नहीं जाएगा। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, गौतम बुद्ध नगर।